हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स का जो थ्योरम है उसको प्रूफ करने वाले हैं। या फिर आपको पता है कि उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्त, तो आइए कन्वर्स ऑफ बीपीटी की शुरुआत करते हैं। पहले इसका प्रूफ समझते हैं अपने अंदाज में। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता क्या है? ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी क्या कहता है जरा ये समझिए। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी दोस्त ये कहता है क्या उल्टा है। बीपीडी में आपको क्या पढ़ाया था, अगर वो समझ गए तो इसको उलट देंगे, क्योंकि इसका नाम कन्वर्स है ना। तो बीपीडी आपका ये कह रहा था, ठीक है दोस्त, कि किसी ट्राइंगल में उसके दो साइड पे दो पॉइंट इस तरीके से है, बी और ई, और वो डी को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है दोस्त, ये डी ई क्या हो गया दोस्त, अगर पैरेलल है बी सी के। ये था दोस्त कंडीशन किसका, बीपीटी का। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन था दोस्त बीपीडी का। तो अगर ऐसा होगा तो भैया मामला कैसा होगा? मामला ये होगा कि आपका जो रेशियो है ना, ये जो साइड इसको बांट रहा है वो इक्वल रेशियो में बांटता था, है ना। एडी बटे बीबी बराबर एई बटे क्या था दोस्त, ईसी था। ये क्या था दोस्त तुम्हारा, बीपीडी था। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीडी में क्या है, इसका कंडीशन उलट जाएगा। क्या होगा दोस्त, उलट जाएगा। अब कंडीशन क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीडी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी दोस्त ये कहता है, बीपीडी या थेल्स थ्योरम जो भी कह लो, कन्वर्स ऑफ बीपीडी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, वो कहता है कि अगर दोस्त, अगर क्या होगा, अगर रेशियो बराबर होगा, ठीक है दोस्त, अगर रेशियो बराबर होगा, क्या मतलब, एडी बट्टे डीबी, ठीक है, और एई बट्टे ईसी, ठीक है, अगर ये रेशियो बराबर है तो फिर लाइन क्या होगा, देन क्या होगा, देन आपका ये पैरेलल होगा, डी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। बोलो बात समझ में आ रहा है, उलट गया ना, देखो आपको उलटने का एकदम फील आ रहा है कन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो बराबर, और यहाँ पे क्या है दोस्त, अगर रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल। ठीक है मिस्टर, आपको बात समझ में आ गया होगी इसको कन्वर्स क्यों कहते हैं, समझे मेरे दोस्त, यस। तो आइए इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। देखो दोस्त, थ्योरम जो है वो आपका क्या है, आपका 6.2 है। 6.1 हमने बीपीटी प्रूफ किया था, और 6.2 उसका क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है दोस्त, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या कह रहे हैं दोस्त, देखो भैया डिस्प्ले पे लगा हुआ है आपके लिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के दो साइड को अगर कोई लाइन डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है दोस्त, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके दो साइड को एक लाइन डिवाइड कर रहा है, नाम आपका रख देते वही पुराना वाला अपना डी ई, ठीक है, किसमें डिवाइड कर रहा है, इन द सेम रेशियो, दिखाई दे रहा होगा आपको, यस, किस रेशियो, इन द सेम रेशियो, मतलब क्या, कि ये लाइन जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये बात मतलब गिवन है, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ईसी है, ये बात दोस्त गिवन है, ठीक है। तो कह रहे देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन जो इसको डिवाइड कर रहा है क्या होगा, ये होगा किसके, पैरेलल होगा, देन क्या होगा मिस्टर, अगर ऐसा होगा देन क्या होगा, बात ये होगा कि डी पैरेलल बीसी होगा, यही बात हमको दोस्त प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, समझ में आ गया। तो देखो दोस्त क्या करेंगे, हम मानेंगे कि देखो ये जो लाइन है ना, इसको मैं अपने अंदाज में आपको प्रूफ बताता हूँ एकदम इजी तरीके से, उसके बाद इसका प्रूफ हम आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने दोस्त आपको, मैंने ये कहा कि हम मान लेते कि भैया डी इसके पैरेलल नहीं है, क्या माना, डी जो है ना वो पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। तो अगर डी बी सी के पैरेलल नहीं है मिस्टर, तो कोई ना कोई लाइन तो होगा, क्योंकि तो आपको पता है कि एक लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो एग्जिस्ट करेगा, सही कि नहीं है, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन पैरेलल नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम एक ही लाइन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर डी पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो एग्जिस्ट करेगा, तो दोस्त हमने मान लिया कि डी के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, हमने माना ऐसा कि भैया डी एफ जो है ना वो क्या है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है, लेट हमने कर लिया, क्या लेट कर लिया दोस्त, कि डी एफ जो है ना वो बी सी के क्या है दोस्त, पैरेलल है, ऐसा हमने माना है ना, हमने ऐसा माना है, आपको पहचाना है, जाना है, देखिए तो दोस्त ये इसके पैरेलल है, करेक्ट है,
और अगर पैरेलल है तो भैया बीपीडी ठोक सकते हैं, बोलो ठोक सकते हैं नहीं ठोक सकते हैं, ठोक सकते हैं ना भाई। तो बीपीडी क्या कहता है कि अगर ये वाला लाइन डीएफ इसके पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, है कि नहीं है। तो एडी वट्टा डीबी क्या बोलेंगे दोस्त, तो बाय बीपीटी है ना, बीपीटी से हम ये कह सकते हैं बीपीटी है ना बेटा पोता है ना जो भी कह लो, सॉरी बीपीटी है शॉर्ट फॉर्म इसका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी क्या कहता है दोस्त, ये कहता है कि एडी बट्टा डीबी बराबर एएफ बट्टा एफसी। अगर डीएफ लाइन बीसी के पैरेलल है तो भैया एडी बट्टा डीबी अपॉन एएफ बट्टा एफसी लिख सकते हैं, बीपीटी कहता है। बट क्या है, बट ये है कि दोस्त लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ ये है कि एडी बट्टा डीबी सही कि नहीं है बराबर एई बट्टा ईसी दिया हुआ है। बोलो मेरे भाई समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। अगर हम इसको इक्वेशन वन बोल दे और इसको इक्वेशन टू बोल दे, ठीक है ये हमने माना वहां से आया, लेकिन बट गिवन क्या है, बट गिवन ये है ठीक है कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी गिवन है। अब दोनों इक्वेशन को गौर से देखिएगा टकटकी लगा करके, तो आपको पता चलेगा कि इसका एलएचएस बराबर है। बोलो बात समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा दोस्त, एडी बट्टा डीबी है ना, एडी बट्टा डीबी और ये भी एडी बट्टा क्या है डीबी है, मतलब एलएचएस बराबर। तो आपको पता है हम क्या कहने वाले आगे, आपको पता ही होगा आरएचएस बराबर हो जाएगा, है कि नहीं दोस्त। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बराबर होगा, ठीक है तो एएफ बट्टा एफसी बराबर एई बट्टा ईसी होगा। समझ में आ रहा क्या होगा दोस्त, ईसी होगा। अब देखो हम करने क्या वाले हैं दोस्त, हम करने ये वाले हैं कि दोनों में वन जोड़ने वाले हैं। ओके सर पगला गए हो क्या, कहला दोनों में वन जोड़ेंगे, जरा देखो भैया क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है वन जोड़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों जोड़ना चाह रहे हैं। तो हम दोनों तरफ वन ऐड करेंगे एफ बटा एफ सी प्लस वन, ठीक है दोस्त, और इधर ए सी प्लस वन। देखो दोस्त हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ वन जोड़ दिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, क्या करेंगे दोस्त सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है इधर बक्सा में, सही है ना दोस्त, क्या सिंप्लीफाई करते हैं देखिएगा ध्यान से। इसको जब जोड़िएगा तो आपको पता है कि एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा क्या एफसी आएगा, ठीक है और यहाँ पे आपका क्या आएगा, इससे इसमें डिवाइड लगेगा तो क्या आएगा एफसी आएगा, एफसी से वन है ना, सॉरी एफसी से एफसी में डिवाइड लगेगा तो वन आएगा, वन से एएफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्त एएफ आएगा। समझ में आ रहा है, वन से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो बट्टा बट्टा जोड़ कर रहा है, समझ रहे हो ना आप फ्रैक्शन का एडिशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या एफसी मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्त एफसी मिलेगा, इससे इसमें डिवाइड करिए तो एफसी आएगा, एफसी से वन मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से दोस्त हम आगे भी कर ले रहे हैं, एलसीएम आपका क्या आएगा ईसी, क्या आएगा ईसी है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए प्लस ईसी। समझ में आ रहा है, अब जरा फोटो में आइए, फोटो मतलब यहाँ जो डायग्राम बनाया उसमें आइए, ध्यान से देखिए एएफ प्लस एफसी क्या है, ठीक है इसको देख करके कमर लचक गया हुआ है। एएफ प्लस एफसी क्या, देखिए आप कह रहे हो कि एएफ प्लस एफसी को क्या लिख सकते हैं एसी, क्या लिख सकते हैं दोस्त एसी लिख सकते हैं, है ना दोस्त क्या लिख सकते हैं एसी लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे एसी बटे एफसी, ठीक है दोस्त, और यहाँ पे क्या है देखिए एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी क्या हो जाएगा, ये भी एसी हो जाएगा, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पे आपका ईसी हो जाएगा, करेक्ट है दोस्त क्या हो जाएगा ईसी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए ऊपर सेम है तो इसे ये कट गया, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या वन बटे एफसी, ठीक है और वन बटे ईसी, जरा आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या एफ सी बट्टे ई सी। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, आप देख ये कह रहे हैं आपने ये साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया प्रूफ कर दिया कि ए एफ जो है ठीक है ए एफ ठीक है सॉरी एफ सी जो है और ई सी जो है ये दोनों बराबर है। तो बताइए ये बराबर कब हो सकता है, ये बराबर तभी होगा जब ये जो एफ वाला पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था, अवर कॉन्ना अवर एजम्पन इज रॉन्ग, सही कि नहीं है दोस्त। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम ये डायलॉगबाजी करेंगे इट पॉसिबल ओनली वेन, ठीक है एफ एंड ई आर कोइंसाइड, एफ और ओ क्या है कोइंसाइड है, इसीलिए हमारा एजम्पशन हो गया गलत। और जब हमारा एजम्पशन हो गया गलत तो हमने पहले जो बड़ा बात था डी एफ पैरेलल बी सी वो सही था और हो गया प्रूफ। समझ में आया, अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, आया ना एकदम इजी सा बात है दोस्त, यही है इसका प्रूफ। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे, उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट एक लेना चाहते हैं जबरदस्त वाला तो ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाओ दोस्त बात करते हैं एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, ठीक है ना, ये मैंने आपको प्रूफ इजी तरीके से समझा दिया दोस्त। अब क्या बात करेंगे एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे,
वो मैंने यहाँ पे देखो अच्छे से लिख दिया दोस्त एक बार, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, और आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आप अच्छे तरीके से दोस्त क्या कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो आइए एक बार जल्दी से समझाते हैं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिखा कि देखो आपको पता है कि चार स्टेप में कोई थ्योरम प्रूफ होता है, एक कंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है, फिलहाल कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे नहीं है। गिवेन, ठीक है, गिवेन क्या है, बोले कि एक ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, ठीक है, है ना, गिवेन ए ट्राइंगल एबीसी एंड अ लाइन एल जो है वो इंटरसेक्टिंग क्या कर रहा है, एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एबी को एट डी पे, देखिए ये जो एबी है उसको डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइन एल, ये जो एल लाइन दिया हुआ है, और एसी को कहां पे कर रहा है, ये जो एसी साइड है उसको कहां पे कर रहा है, ई पे कर रहा है, कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से कर रहा है दोस्त, इस तरीके से कर रहा है कि ये रेशियो बराबर है, आपको पता है ना, कन्वर्स में क्या है कि रेशियो बराबर है तो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो एडी बट्टा बीबी बराबर एई बट्टा ईसी, ये बात दोस्त दिया हुआ है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया डब्बा में घिर करके, ठीक है दोस्त। चलिए हमको प्रूफ क्या करना है दोस्त, प्रूफ ये करना था कि डी पैरेलल बीसी, ये जो लाइन, ये जो डी लाइन सेगमेंट है ये बीसी के क्या दोस्त, पैरेलल है, ये बात हमको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है, तो भैया ये इसके पैरेलल नहीं है हमने ऐसा माना, ठीक है, हमने क्या कहा कि इफ पॉसिबल लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी, है ना, हमने क्या माना कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, है ना दोस्त, डी बीसी के पैरेलल नहीं है, तो आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगा, तो हमने क्या माना कि डी एफ जो है ना वो बीसी के पैरेलल है, देखिए वही बात लिखा हुआ है, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, ठीक है, थ्रू डी, डी से जो किसके पैरेलल होगा, विच इज पैरेलल टू बीसी, जो किसके पैरेलल होगा दोस्त, बीसी के पैरेलल होगा, करेक्ट है। तो भैया आपको पता है कि जैसे किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन होता है इस तरीके से किसी साइड के पैरेलल, तो हम बीपीडी लगा सकते हैं, है ना, या उसी को थ्योरम थ्योरम कहते हैं, तो बीपीडी से हम क्या ले सकते हैं, एडी बट्टा डीबी, आपको पता चला कि डीएफ जो है ना वो बीसी के पैरेलल हो गया भाई अभी मानने पे, है ना, मान करके, तो एडी बट्टा डीबी बराबर एएफ बट्टा क्या हो जाएगा, एफसी हो जाएगा ये वाला। लेकिन बट गिवन क्या दोस्त आपको दिया हुआ वो क्या है, एडी बट्टा डीबी बराबर एडी बट्टा ईसी दिया हुआ है, पता है आपको, यस। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एलएचएस बराबर नजर आएगा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है, जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने आरएचएस को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और हमने क्या किया दोस्त, दोनों तरफ वन ऐड किया, जब आप इसको वन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, ए बट्टा प्लस एफसी बाई एफसी मिलेगा, और उधर मिलेगा आपको ए प्लस ईसी बटे ईसी मिलेगा, तो दोनों ये देखिए ए प्लस एफसी तो क्या हो जा रहा है, एसी हो जा रहा है, तो एसी बटा एफसी, ये भी क्या हो जा रहा है, एसी बटा ईसी हो जा रहा है ना, एसी से एसी कट जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से एसी काट दोगे तो वन अपॉन एफसी और वन अपॉन ईसी मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा, ईसी बराबर क्या मिलेगा, एफसी मिलेगा, तो एफसी और ईसी बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो आप क्या कह रहे हो कि एफसी और ईसी बराबर है, इसका क्या मतलब, ये तभी संभव है दोस्त जब F और E क्या होगा, कोइंसाइड होगा, आप कह रहे हो क्या, देखो FC और EC बराबर कह रहे हो, ये तभी संभव है जब क्या होगा, ठीक है, F और E क्या होगा, कोइंसाइड होगा, तो वही बात लिखा हुआ है कि इट पॉसिबल ओनली वेन, ये तभी संभव है जब F एंड E कोइंसाइड, कोइंसाइड है, इसीलिए हम कहते हैं कि लास्ट में देयरफॉर DF पैरेलल क्या है, BC है, समझ में आ गया दोस्त, ये है अपना मस्त वाला प्रूफ, इसी तो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसी नोट के साथ करते हैं दोस्त वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको दोस्त करना क्या है कि अगर आपको वीडियो में मजा आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।